सो हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज गौरव एंड यू गाइस आर वाचिंग जॉय 5M गोल। सो वेलकम। सीन कुछ ऐसा कि यार देखो ना, मैंने चार पांच पार्सल्स मंगवाए थे और उनमें से भाई देखो एक की मलकी ना फटा हुआ बैक टैन भाई डब्बी से आराम से निकल सकती है, तो मेरे को लग रहा है भाई कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन फिर भी हम अभी इसको खोल के देखते हैं क्या सीन है इसके अंदर। या तो मेरे को लग रहा है भाई इसकी थोड़ा पैकेजेस की हालत भी खस्ता थी, तो हो सकता है भाई जब शिपिंग कर रहे हैं या फिर पैकिंग के टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो सबसे पहले हम अपना ना ये मल्टी विटामिन का देखेंगे। ये है कहाँ से है भाई? ये न्यूट्रा बे प्रो की तरफ से है भाई, मल्टी विटामिन कैप्सूल। और हाँ चलो ये ठीक है भाई, इसका जो सील है ये बंद है, ये मेन था पंगा। अभी अगर सील बंद है तो भाई और तो कोई पंगा इसमें रहा नहीं, और खोल के देखते हैं ऐसे। हाँ सब ओके भाई इसका तो। बाकी चलो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास वीडियो था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको यहाँ पे रखेंगे। अभी हम अपना सेकंड प्रोडक्ट देखो ओपन करेंगे। अभी इसका सीन भाई कुछ ऐसा है कि जैसे देखो अभी ना, बल्कि जब कोई आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और भाई अगर उस पर अगर कोई मतलब कि 40-50 या 60-70 जितने भी भाई इसके लगते हैं डिलीवरी चार्जेस, वो अगर लेना तो भाई मतलब कि एकदम पे कर दो। क्योंकि आज मैंने थोड़ा फील की कि भाई देखो इन डब्बों की हालत देखो भाई, और इन इसमें तो भाई कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार का इनका मल्टी का प्रोटीन है भाई, इनकी हालत देखो कितनी बुरी है। और यहाँ पे देखो भाई ये जस्ट भाई मतलब कि 90 या 95 रुपये की चीज़ है, इसके ऊपर 70 रुपीज़ का वो लगा था, क्या कहते हो उसे डिलीवरी चार्ज। और भाई इसकी पैकिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है, ये मैंने मंगाया था पतंजलि वालों से कुछ, ये मेरे काम का नहीं है लेकिन अंकल ने मंगवाया था इसलिए तो मैंने सोचा उनको दे दो। भाई देखो पैकिंग तो भाई एकदम गजब वाली हुई है। बाकी सामान देखते हैं कैसा इसका। हाँ भाई ये चूरन का है पतंजलि से, सब कुछ ओके लग रहा है। ये भी नहीं, ये तो कैप्सूल है भाई, चलो कोई नहीं जो भी है। चलो इन सामान को रखते हैं साइड में। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो क्या भाई टूटा हुआ लग रहा है मेरे को, लेकिन चलो आई होप भाई डेस्क के अंदर जो सामान है वो सलामत हो। बाकी पैकिंग तक पैकिंग का तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा भाई ओपन हो जा, कितना टाइम लगाएगा? एक तो यार आज पीछे दो है मेरे कि आज मेरा फास्ट है, कोई बात नहीं इसको ओपन करेंगे। बहुत सस्ता तो रखी इसकी। ओह कम ऑन मैन, फाइनली वी आर हियर। ओके तो ये है भाई मेरा, कहाँ से है भाई तू? यह भाई मसल विलेज की तरफ से क्रिएटिन। मैंने जो पहले वाला क्रिएटिन मंगाया था भाई, इसका थोड़ा सा सीन ना कुछ मतलब कि इसका यार अंदर से ना इसको हवा लगने के बाद भाई इसकी थोड़ी क्वालिटी वो ख़राब हो जाती है। सो मेरे को लगा भाई ये वाला ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी मैं इसको भी यूज़ करूँगा लेकिन जब तक भाई यूज़ करने लायक रहेगा, क्योंकि इसकी धीरे धीरे भाई क्वालिटी ख़राब हो रही है एयर के चलते, क्योंकि इसकी पैकिंग कुछ ऐसी है। सो इसी चक्कर में भाई मैंने ये मसल विलेज की तरफ से भाई ये डब्बे की पैकिंग में आने वाला मंगवाया, क्योंकि मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है। इसका नहीं मतलब कि एक और था ऐसे, मेरे बुआ का लड़का लाया था, मैंने उसको यूज़ किया था। डब्बे में भाई इसकी पैकिंग ख़राब नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है इसकी। एंड एट द एंड भाई फाइनली हमारा प्रोटीन का डब्बा, जो आई होप भाई इसका जो मैंने पहले प्रोटीन का डब्बा मंगवाया था ना बे प्रोटीन, वो था 1 किलो का। अब भी 1 किलो का मंगवाया लेकिन इसमें ना जो फ्लेवर है भाई, फ्लेवर के इन्होंने कितना 500-600 रुपये एक्स्ट्रा काट लिया। मतलब कि भाई जहाँ पे मेरा काम 2700 या 2800 रुपये में सर सकता था भाई, वहाँ पे 3300 कितने देने पड़े मेरे को। इसकी पैकिंग को कैसे खोलें मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो हम कौन सा प्रो अनबॉक्स करें, हम तो ऐसे ही खोलेंगे, खोलते हैं। एक तो यार कैंची भी मेरे को लग रहा अभी जो ये सीजर है इसको भी थोड़ा बड़े वाला परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओपन करने में असमर्थ लग रहा है इनको। हाथों से खोलना पड़ेगा भी लग रहा है। ओके तो भाई ज़्यादा हिलाने डुलाने की वजह से भाई मेरा कैमरा जहाँ पे मैंने रखा था बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी, लेकिन इसको तो ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। ओके फाइनली धीरे 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 करके ये आराम से खुल गया, लेकिन बहुत जोर लगा भाई इसको खोलने में। ये पैकिंग कितनी जबरदस्त होती है, लेकिन भाई जो मैंने पहले वाला डब्बा मंगवाया था वो भाई थोड़ा स्क्वेयर टाइप का था, और ये भी थोड़ा स्क्वेयर टाइप का ही है, लेकिन उससे थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है ये इसका पैकिंग। मतलब कि अभी देखते हैं क्या क्या डिफरेंस इन दोनों डब्बों में। इसके मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़े हैं, और भाई मेरे को है तो ओरिजिनल लग रहा है इनका। यार प्रोटीन्स का एक पंगा पड़ता कि भाई ओरिजिनल और फेक में पता नहीं लगता इतना, लेकिन चलो कोई ना सेम ही लग रहे हैं दोनों डब्बे। बाकी देखते हैं भाई, मैंने पहले वाला भाई यूज़ किया है इसका, मेरे को बल्कि 2700 के करीब पड़ा था, और भाई ये वाला पड़ा था मेरे को 3400 के करीब करीब पड़ा ये वाला। सो इसका भाई फ्लेवर अलग है, इसका चॉकलेट है और इसका कुछ मोको टाइप से था। सो अभी इनको भाई चलो अभी यूज़ करेंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को कैसा रिजल्ट आता है। और बॉडी भाई एक दिन में नहीं बनती, धीरे धीरे बनेगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस। आई होप यू गाइस एंजॉयड, लीव लाइक कमेंट शेयर, प्लीज़ भोलेनाथ।